IPL के 26वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। जी हां, कोलकाता के दिए 179 रनों का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम ने लक्ष्य हासिल कर लिया। आपको बता दें, लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत निराशाजनक रही थी और पृथ्वी शॉ केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान श्रेयस अय्यर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और विकेटों के पीछे दिनेश कार्तिक को कैच थमा बैठे। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और शिखर धवन ने इसके बाद दिल्ली को और कोई झटका नहीं लगने दिया और दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई। जहां ऋषभ पंत अपने अर्धशतक से चूक गए, वहीं शिखर धवन भी आज अपने शतक से चूक गए। ऋषभ पंत ने 31 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं शिखर धवन ने 63 गेंदों पर 97 रनों की पारी खेली और अंत तक नाबाद रहे। शिखर धवन ने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। हालांकि लक्ष्य के काफी नजदीक पहुंचकर ऋषभ पंत आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन आज पंत के बाद बल्लेबाजी करने आए कॉलिन इंग्रम ने आज कोलकाता को कोई मौका नहीं दिया और 6 गेंदों पर 14 रन बनाते हुए टीम को एक शानदार जीत दिला दी। आपको बता दें, कॉलिन इंग्रम ने छक्का लगाकर टीम को 7 विकेट से एक शानदार जीत दिला दी। आपको बता दें, आज दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। शुभमन गिल के शानदार 65 रन और अंत के ओवरों में आंद्रे रसेल की तूफानी 45 रनों की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए थे। दिल्ली की टीम ने शिखर धवन के शानदार 97 और ऋषभ पंत के शानदार 46 रनों के बदौलत इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।